मैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मिस क्लेयर जो लिपस्टिक है, आजकल बजट फ्रेंडली है ये लिपस्टिक और पॉपुलर बहुत है। नायका हो या पर्पल हो, हर एप्लीकेशन जो कॉस्मेटिक एप्लीकेशन है सब पे ये अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी अच्छी है, साथ के साथ में आपको मिल जाता है बजट के अंदर एक बहुत अच्छा कलर रेंज, प्लस ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं देते, पर मुझे इनको ट्राई करने के बाद लगा है कि ये जो हम ब्रांडेड जैसे नायका है या कलर बार है या लैकमे है, तो जो ब्रांडेड जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश लिपस्टिक है इन ब्रांड्स, वो फार बेटर है मिस क्लेयर की लिपस्टिक्स से जो कि मैंने यूज़ करी। क्योंकि इनिशियली जब तक कि आप उसको शार्पन नहीं करोगे तब तक वो बट ड्राई सा रहता है, कलर डायरेक्ट आता नहीं है लिप्स के ऊपर, पिगमेंटेशन अच्छा है मैं मानती हूँ, प्लस अगर आप एक बार शार्प कर लोगे तो वो थोड़ा सॉफ्टन हो जाएगी, आपके लिप्स के ऊपर अच्छे से लाइट डाउन हो जाएगी। सो आगे के वीडियो में मैं आपको बता दूँगी स्वैचेस, सो ताकि आपको कुछ कलर्स को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा। बाकी तो ये है कि इन लिपस्टिक्स ये ज़्यादा लिपस्टिक जो ड्यूरेशन है ये बहुत कम ड्यूरेशन रहता है, यानी कि अगर आपको एक बार लगा लिया है आपने तो विद इन हाफ एन आवर या शायद एक घंटे में आपको वापस से उसको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कलर जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा ये स्टे नहीं करती है लिपस्टिक्स। प्लस मैंने लिक्विड लिपस्टिक अभी तक ट्राई नहीं किया है क्योंकि वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, पर ये 250 या 278 की रेंज में है लिक्विड लिपस्टिक, और मुझे मैं ज़्यादा भी उसको देख भी नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रेंज में और भी ब्रांड्स और भी नई कंपनीज हैं जो अवेलेबल हैं। सो अभी मैं और यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ भी देखे हैं, सब काफ़ी इम्प्रेस हैं इस लिपस्टिक से, पर मैं इतना लिक्विड लिपस्टिक की फ़ैन नहीं हूँ, मुझे मैट या फिर ये जो नॉर्मल जो लिपस्टिक होती है ड्राई लिपस्टिक मुझे वही ज़्यादा समझ में आती है। तो मैंने इस बार आप लोगों के लिए इस वीडियो में मल्टीपल स्वैचेस दिए हैं, मेरे पास कुछ 6 या 7 लिपस्टिक का पेंसिल है, तो आपको मैं वो स्वैचेस दिखाती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और ड्यूरिंग द स्वैचेस मैं आपको और इन लिपस्टिक्स के बारे में जानकारी दे दूँगी। लेट्स हैव द स्वैचेस नाउ।